पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई जिला योजना समिति की बैठक में 2018-19 के लिए 251 करोड़ रुपए की वार्षिक जिला योजना को मंजूरी मिल गई है। जिले में 202 तालाबों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार किए जाएंगे। जिला योजना समिति की बैठक में मंत्री ने सभी विधायकों से कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास के लिए सामूहिक रूप से कार्य करें। सर्किट हाउस में सुबह 11 बजे शुरू हुई जिला योजना समिति की बैठक में 251 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई, जो पिछले वर्ष से 12 करोड़ अधिक है। प्रभारी मंत्री ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए मुरादाबाद के सभी विकास खंडों में 202 तालाबों के निर्माण को स्वीकृति दी है। मंत्री ने कहा कि स्मार्ट गाँव से ही स्मार्ट भारत बनेगा, इसलिए गाँव का व्यवस्थित विकास जरूरी है। विधायकों ने बैठक में ढेला नदी पर नए पुल का निर्माण करने का मुद्दा उठाया। बैठक में सपा के राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान, बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम, ठाकुरदारा विधायक नवाब जान खान, कुंदर के विधायक हाजी रिजवान, मेयर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, डीएम राकेश कुमार सिंह, सीडीओ मृदुल चौधरी समेत अधिकारी और जिला योजना समिति के सदस्य उपस्थित रहे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।